इलेक्शन का दौर दौरा हर तरफ चल रहा है, वो जनरल इलेक्शन मुल्की सियासत हो या डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद की हो, हर जगह आपको सहाफत के अंदर, सियासत के अंदर, वकालत के अंदर, हर जगह इस वक्त इलेक्शन का मौसम है। सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है लेकिन सियासी दर्जा हरारत जो है वो चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। फैसलाबाद DBA के अंदर, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अंदर भी साल इलेक्शन 2024-25 जो इनकार पदीर हो रहे हैं। हमारे साथ मियाँ अनवार हक साहब मौजूद हैं, उम्मीदवार बराए सदर हैं। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मतलब कैसे देखते हैं, गुज़श्ता साल भी एक नशस्त आपके साथ हुई थी, बड़े मुतासर कुन आपके जज्बात थे, आपके ख्याल थे, कैसे देखते हैं इस बार वही मंशूर है या कुछ नया लेकर भी मैदान के अंदर आए हैं, कुछ मसाइल, कुछ इशूज़ हमारे सामने, आप कौन कौन से मरकजी अपने नुक्ते रख रहे हैं जिनको आप समझ रहे हैं कि नौजवान वकला के लिए, सीनियर वकला के लिए और जो मौजूद वकला हैं उनके सामने आप रख के अपना केस प्रजेंट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ City41 का और आप सब दोस्तों का कि आपने मौका फ्राहम किया। मंशूर एक्चुअली वही है जो पिछले साल भी था, लेकिन उसमें कुछ बेहतरी ये की है कि नौजवान वकला के लिए हमने बहुत सारी प्लानिंग जहन में है। एक तो उनके 3 साल का शुरू का जो पीरियड है उसके लिए हमने सोचा है कि यहाँ उनके लिए एक क्लासेस का भी इंतज़ाम किया जाए। Okay. दो तरह की क्लासेस होंगी, एक तो उनको कोर्ट रूम्स में जाने के मैनर्स वगैरह सारा कुछ इनका जो भी हम वो सीखेंगे इधर, लोग प्रोसीजर ला हम उसको कहेंगे कि वो जो इस प्रोसीजर को अच्छे से तरीके के साथ सिखाने का इंतज़ाम किया जाएगा। दूसरा, हम उनके लिए एकेडमी का एक यहाँ ज़रूर इनका करेंगे कि जुडिशरी की तैयारी के लिए जो हमारे छोटे भाइयों को लाहौर जाना पड़ता है और वहाँ जाके 6-6 माह रहना पड़ता है और वहाँ जाके बहुत ज़्यादा अखराजात उनको अपने ज़िम्मे लेने पड़ते, वो हम उनका मसला इंशाअल्लाह ताला इसी सरजमीन पर अपने इसी फैसलाबाद में हल करेंगे। यहाँ ऐसे एक हम अकेडमी अच्छी सी ज़ेर इंतज़ाम डिस्ट्रिक्ट बार बनाएंगे कि वो यहाँ अच्छे तरीके के साथ तैयारी कर सके। ये सब कैसे देखते हैं कि मैं पिछले साल भी आपसे ही बात गुफ्तगू की थी, कुछ फिर आपने जब ख़ुद बात की मैनर्स, डिसिप्लिन और ख़ास तौर पे एक सबसे ज़्यादा ऐसा पेशा जहाँ मैं ये कहना बिल्कुल दरेग नहीं करूँगा, सहाफत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पढ़ा तालीम कुछ नहीं लेकिन उन्हें तजर्बे के बुनियाद पे भी आगे आ जाते हैं, लेकिन वकालत एक वाहिद ऐसा पेशा है जहाँ आपके पास डिग्री होगी तो ही आ पाएंगे, यानी कि यहाँ अनपढ़ होने का तसव्वुर 0.1% भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद आपको क्या लगता है कि क्यों ज़रूरत दरपेश आती है मैनर्स, डिसिप्लिन सिखाने के वो वकील का नाम सुनते हैं तो लोग समझते हैं हमारे साथ खड़े होंगे तो हम ताकतवर हैं, ये हमारे साथ नहीं खड़े होंगे तो हम कमज़ोर हैं, एक अक्स ऐसा बना लिया जाता है कि लोग खाइफ होना शुरू हो जाते हैं। इसमें दरअसल ना ये शुरू से ऐसा नहीं था, ये 8-10 साल पिछला जो जब ये जिसको वकला तहरीक का नाम दिया, जो जजेस बहाली की तहरीक थी ना जी, उसके बाद ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई और बहुत सारे लोगों ने जो कि हमारे पास मेज़ की दूसरी तरफ बैठे होते थे मुल्ज़िमों की सतह पे या किसी अपने मसाइल के हल करने के लिए जो लोग आते थे ना, तो उन्होंने देखा कि ये शायद बहुत एक पावरफुल इनके ग्रो है, उन्होंने तसव्वुर किया, उन्होंने पढ़ाई के साथ या इस मामले के साथ या इसको लोगों के मसाइल को हल करने की तरफ कोई तल्लुक नहीं, वो सिर्फ पावर्स को देखते हुए उन्होंने अपने बच्चों को इस फील्ड में ले आए और यहाँ पैसा बहुत इन्वॉल्व हो गया और वो लोग जो कि फिर मैं कहूँगा कि वो दूसरी साइड पे हमसे मसाइल हल करवाने के लिए आते थे, उन्होंने सिर्फ पावर पॉलिटिक्स के लिए अपने बच्चों को इधर ले आए तो हमारे लिए वो ज़्यादा मसाइल पैदा हो गए हैं। सच्ची बात है, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ ये मेरे लिए बड़ी मुश्किल भी पैदा करती हैं क्योंकि वोट लेने होते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम इसी माफिया के ख़िलाफ़ आ रहे हैं कि हम प्योर अपने जो हमारी प्रोफेशनल है ना प्रोफेशनलिज्म, हम उस पर खड़े होना चाहते हैं, वही हम अपने पुराने वकार को बहाल करना चाहते हैं कि लोगों का इत्माद, जैसे पीरों के साथ वो उनका एक अच्छा रवैया होता था, लोग हमें पैसे भी देते थे और हम पे इत्माद भी करते थे और पूरे मुआशरे में किसी जगह आपको बंदा सादा कागज़ पे साइन करता नज़र नहीं आएगा सिवाय वकील के, ये हमारा इत्माद था ना जी और अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुछ अगर काली भेड़ों ने, जैसे आप नाम ले रहे थे कि सहाफत में भी खैर लोग किसी भी तरह या हर पेशे में, हर पेशे में होते, हम तो डबल ग्रेजुएट होते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद फिर हम करते थे। अच्छा, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक माफिया के ख़िलाफ़ जंग है और ये हम किसी के लिए नहीं, अपने लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल और अपने वक़ार के लिए, अपनी डिग्निटी के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा चेंज आई इस बार इनके, ये 1 साल के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह देखें, जीतना हारना एक अल्लाह को जो मंजूर हुआ वही होगा, लोग जिसको पसंद करेंगे वो आएगा,
लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों में ये अवेयरनेस दे देना कि बार बार इसकी तकरार करना कि हम अपने वकार के लिए खड़े हो जाएं, और लोग अब हैं, आप पूरे हमारे ये वकला कम्युनिटी में जाके देखें, लोग इसके लिए तड़प रहे हैं। लोग यही सोच कि यार ये लोग हमें बदमाश ना समझें, लोग हमें कोई ऐसी मखलूक ना समझें जो फ्रॉड करते हैं, लोग ऐसे ना समझ, क्यों वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वकला तो लोगों के लिए काम आते हैं, लोगों के मजलूमों का साथ खड़े वाला वकील होता है, ये अल्लाह का नाम है, अलवकील अल्लाह है, तो हम तो उसी की उस सिफत पर इंशाल्लाह अमल करके दिखाएँगे, और इंशाल्लाह ताला जुर्रत के साथ और कुव्वत के साथ करवाएँगे कि हम में से जो अगर गलत लोगों के साथ रवैया हो करने वाले वकला होंगे, जो लोगों के साथ फ्रॉड करें, तो हमारे लिए तो वो उसी तरह के होंगे मुल्ज़म जैसे दूसरे होते हैं। हम लोगों को इंशाल्लाह साफ शफाफ इंसाफ में फराहमी में अपना किरदार अदा करें। एक बड़ा अहम सवाल है कि इस वक्त मुल्की सियासत के अंदर, अमली सियासत के अंदर सबसे बड़ी तादाद में वकला को फ्रंट फुट पर लाया जा रहा है, तो क्या जैसे आपने पहले कहा कि जो लोग टेबल के दूसरे रुख बैठकर इंसाफ का तकाजे के लिए आपके पास आते थे, आज वो अपने नौजवानों के नामों के साथ एडवोकेट लगा के अपने घरों की तख्तियां लगा ली हैं ताकि अब वो भी अपने आप को महफूज समझते हैं, तो क्या अमली सियासत के अंदर भी वकला को आना चाहिए था या वो डिफरेंस रहना चाहिए था? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक डॉक्टर है, वो CSS करता है तो अपना लाइसेंस विदड्रॉ करता है, तो ऐसे ही कोई सियासत में अगर वकील आता है तो उसको अपना लाइसेंस विदड्रॉ कर लेना चाहिए या कोई ऐसी स्कीम होनी चाहिए ताकि वकालत जो है वो एक अलहदा पेशा वो अलहदा ही रहे, उसका सियासत से जो एक बिल्कुल कनेक्शन साथ जोड़ा गया है कि अब सियासतदान बनना है तो वकील होना भी लाजमी लाजमी मंजूम हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैं आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा, ये मेरा जमहूरी हक है, नहीं वो है, में ये होता है कि सियासत ना वकला ही सिखाते हैं, ठीक है, ये वकला का बुनियादी काम है, ये मैं समझता हूँ कि वकालत हमारा पेशा है, हम इस पर सारा काम करते हैं, लेकिन वकला ही कौमों के रुख का मुतय्यन करते हैं। इसकी में मिसाल आपके सामने है कि अगर इकबाल ने ख्वाब देखा तो एक मोहम्मद अली जनाह रहमतुल्लाह अलैह के जो एक वकील ही थे तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म हमें दिया, लियाकत अली खान वकील थे, इस तरह हम अगर देखेंगे तो ये वकला है जो कौमों का रुख मुतय्यन करते हैं। वजह ये है कि हम क्योंकि कानून को जानते होते हैं, लॉ को जानते होते हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि वो आपकी वो मिसाल एक ठीक है कि डॉक्टर वो एक मुकम्मल उस पर इतना ज़्यादा सरबाया गवर्नमेंट का लगा होता है, वो बाद में वो CSS, लेकिन वो वकला का इस तरह के नहीं है। देखें, वकला क्योंकि बुनियादी नर्सरी है सियासत की, यहाँ आंधी हो, तूफान हो, मुल्की हालात, ये कह सकते हैं हर किसी को नहीं, जो प्रैक्टिस करके लर्नड वकील है उसको लर्नड ये शर्त रख लीजिए, शर्त रखिए, देखें वो जानता हो कानून के आयन को समझता हो, जिसकी लीडरशिप क्वालिटीज हो, अच्छा वो एक चैनलाइज हो जाता है, खुद न खुद इसमें से निखर के सामने आ जाते हैं। अच्छा, वो जो होता है ना जी वकला में से, ये हमारी बुनियादी नर्सरी है जमहूरियत की, हमारे इलेक्शन कभी मुलतवी नहीं हुए, बिल्कुल, ये आप देखें कैसा सख्त मौसम, एक पिछले साल 3 दिन पहले हमारे साहब का सदर नवीद मुख्तार साहब का मर्डर हुआ, बेईमाना कत्ल हुआ, तो इसके बावजूद इलेक्शन मुलतवी नहीं हुए। इनके हम सियासत और जमहूरियत पे इस तरह यकीन है कि हम समझते हैं कि ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है, उसकी पासदारी के लिए वकला ही सबसे बेहतर काम कर सकते हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि सियासतदान वकील, बल्कि ये मैं तो समझता हूँ कि हर सियासतदान का वकील होना ज़रूरी है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया मियां नवाज़ हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना बल्कि ऐसे कह लें कि हर सियासतदान का वकील होना ज़रूरी है। मैंने एक सवाल किया था क्योंकि अमली सियासत के अंदर इस वक्त देखें तो लोग या सियासी फैमिलीज ये देख रही हैं कि अगर आपने सिक्योर सियासत के अंदर भी जाना है तो वकालत का डिग्री होनी या वकालत का साथ नाम लगना बहुत ज़रूरी है। बहुत बेशतर चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेरे ख्याल में कागजात नामजदगी जमा करवाने से लेकर अगले मरहले तक वकालत और कानून का साथ होना भी बहुत ज़रूरी है। मियाँ साहब की बात सही थी और साथ उन्होंने अज़म का इजहार किया कि वो नौजवान वकला की तालीम तो हासिल की तरबियत और ख़ास तौर पर उनकी अदालतों में पेशी के लिए जो उनका एक ख़ास डेकोरम होना चाहिए उसको ज़रूर मनवाएंगे और उसके लिए उनकी ट्रेनिंग करवाएंगे ताकि नौजवान पाकिस्तान की बागडोर संभाल सकें। प्रोग्राम में आगे वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुश आमदीद कहते हैं। DBA फैसलाबाद के इलेक्शन 2024-25 का सिलसिला जो जारी है, हमारे साथ उम्मीदवारान हैं, उनको बारी बारी हम ले रहे हैं प्रोग्राम में ताकि हमारी जो वकला बरादरी है, हमारा मकसद क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का जो प्रेजिडेंट है वो सिर्फ वकला का नुमाइंदा नहीं है मेरी नज़र में, वो शहर फैसलाबाद का नुमाइंदा है,
शहर फैसलाबाद के हर बासी का, क्योंकि अगर किसी का केस है, किसी ने अदालत में आना है, तो उन वकला से मंसूब है। उन वकला की फलाह बहबूद के लिए जो काम होगा वो आम आदमी की फलाह बहबूद के लिए काम होगा। इस शहर की तामीर और तरक्की के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद, चैम्बर फैसलाबाद, प्रेस क्लब, ऐसे ये सारे अदारे अपना किरदार अदा करते हैं। मुजाहद हुसैन पंसोता साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका, उम्मीदवार बराए सदर हैं। पंसोता साहब, कैसे देख रहे हैं कि आप कौन सा मंशूर लेकर इलेक्शन 2024-25 के लिए मैदान के अंदर आए? बहुत शुक्रिया सिटी 41, और मैं समझता हूँ ये सिटी 41 की जो आवाज़ है ये फैसलाबाद की आवाज़ है, और फैसलाबाद के हर तबके की आवाज़ है। उसमें वकला हों, उसमें वर्कर हों, उसमें सनदकार हों, उसमें स्पोर्ट्समैन हों, और तो मैं ये कहूँगा जी को मैं मुँह की तारीफ नहीं कर रहा, ये ब्लेसिंग है सिटी 41 हमारे फैसलाबाद के वासियों के लिए। चूँकि इलेक्शन का दौरा है और मैं समझता हूँ हर कैंडिडेट का अपना मंशूर है, मैं समझता हूँ कि बेसिक हमारा जो इलेक्शन है ये बार का इलेक्शन है और बार प्रोफेशनल की है, और सबसे पहले बात यह कि जो प्रोफेशनल के मसाइल हैं जो बार का, मैं समझता हूँ बतौर नुमाइंदा हमारे जो मेन फोकस है वो प्रोफेशनल के मसाइल पर, हाउ टू प्रमोट द प्रोफेशन, हाउ टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रोफेशन, एंड हाउ टू प्रमोट द एंड फैसिलिटेट द प्रोफेशनल्स। ये बार की हद तक बात है। बार में नौजवानों का किरदार है, नौजवान वकला के मसाइल आ रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने फोकस किया हुआ है, और सबसे बढ़कर जो बात है जो इन द प्रेजेंट सिनेरियो मैं समझता हूँ कि किसी प्लानिंग के तहत वकला को मैं समझता हूँ कि उनको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, और सबसे पहले जो मेरी प्रायोरिटी है वो दैट इज़ द रिस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज इंस्टीट्यूशन ऑफ द बार। एज ए इंस्टीट्यूशन बार उनकी रिस्पेक्ट की अल्हम्दुलिल्लाह बहाली है, और उस पर कोई हमारा कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और सेकेंडली मैं समझता हूँ हमारे ख़वातीन का एक सेक्टर है माशाल्लाह फैसलाबाद में, ये वकला के लिए लेडीज वकला बहुत फर्टाइल लैंड है, राउंड अबाउट 800 के करीब हमारी लेडी वकला के हैं, और मैं समझता हूँ उनको जुडिशल ऑफिसर्स के लिए, लॉ ऑफिसर्स के लिए मैं समझता हूँ कि उनकी जो प्रमोशन है इस इदारे की जानब से होनी चाहिए, भरपूर होगी, और मैं इंशाल्लाह ताला जो बार के न्यू कॉमर्स हैं उनको मैं बार में रजिस्टर करवा रहा हूँ, बार उनको पैटर्नाइज करेगी, बार उनको इजाजियत देगी ताकि इस प्रोफेशन में आकर वो, मैं समझता हूँ कि वो डिसार्ड ना हो। पहले जो साल होते हैं ना मैं समझता हूँ कि वो प्रोफेशन की प्रमोशन के होते हैं, अर्निंग के नहीं होते, तो उनको बार जो मदर रोल है बार का अल्हम्दुलिल्लाह वो भारत अदा करेगी भरपूर तरीके से। साहब आपने ये अपना मंशूर रख दिया, आप क्या देखते हैं कि एक हाई कोर्ट का बेंच बहुत दरीना मुतालबा इस पर, अब तो उम्मीदवार जो हैं वो बोलते इसलिए नहीं है कि इतनी तहरीकें हो गई, इतना सब कुछ हो गया, हर सेक्टर ने फैसलाबाद के ने बार का साथ दिया, वो देने के लिए तैयार भी होते हैं, लेकिन इस मामले को सियासी पुष्ट पनाही ना होती है, कभी कोई सियासी जमात करती है, पॉइंट स्कोरिंग होती है, फिर इसे फेंक दिया जाता है, सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग तक महदूद रह गया ये काम। मैं कहता हूं कि जिस तरह जो फंडामेंटल राइट्स जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उनमें सस्ता और फौरी इंसाफ भी सर फहरिस्त है, और ये बदकिस्मती है हमारे फैसलाबाद की, मैं बार की नहीं कहूँगा, फैसलाबाद डिवीज़न की है। अब देखिए मुल्तान डिवीज़न और बहावलपुर डिवीज़न एक घंटे की ड्राइव है उनके पास दोनों, ठीक है, और आप KPK में चले जाएँ, सिंध में चले जाएँ, वहाँ हर डिवीज़न लेवल पर एक बेंच मौजूद है, और लाहौर में लाहौर हाईकोर्ट बार में तकरीबन 45% जो पेंडेंसी है वो फैसलाबाद की है। ये हमारा बुनियादी हक है। मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा मियाँ जवेद इकबाल चाचू साहब का, उनके टेनोर में हम आखिरी हद तक गए हैं, और हमारे साथ उस वक्त की गवर्नमेंट ने भी तआवुन किया, वो समरी भी चली गई, और गवर्नर की तरफ से फॉर कंसल्टेशन का प्रोसेस भी शुरू हो गया चीफ जस्टिस साहब के साथ। अब वहाँ पर आकर ये मामला मैं समझता हूँ कि ये हाईकोर्ट में रुका हुआ है, जो ज़रूरियात थी, रिक्वायरमेंट थी ना गवर्नमेंट की तरफ से, वो काफ़ी हद तक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, जो कोई जुडिशियल इशू तो है नहीं, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो वेरी कर सकते हैं, यहाँ बेंच बनाना या नहीं बनाना वो चुका है। मैं तो आपके तवस्ते से जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से गुजारिश करूँगा, और ये हमारे फाजिल जज साहबान हैं लाहौर हाई कोर्ट के सस्ता और फौरी इंसाफ बुनियादी ज़रूरत है, हमारा हक है, खुदारा खुदारा इस हक को हम तक पहुँचाइए, हम तो इंशाल्लाह जो आइनी और कानूनी तरीका है विद इन लीगल फ्रेमवर्क इंशाल्लाह ताला हमारी भरपूर एफर्ट्स होंगी, और बदकिस्मती से जहां बेंच ना बनने की वजह से नौजवान वकला की ग्रोथ रुकी हुई है, उनकी अपीयरेंस हो रेगुलरली हाई कोर्ट में। अब एक अगर वकील फैसलाबाद से लाहौर के लिए जाता है उसका पूरा दिन
और वहाँ जाकर केस लेफ्टर हो गया तो वो 8-10 हज़ार का खर्चा लेता हो गया। तो ये बुनियादी ज़रूरत और इंशाअल्लाह ताला आईनी और कानूनी दायरे में रहते हुए हाई कोर्ट बेंच के असूल के लिए इंशाअल्लाह ताला भरपूर कुछ करें। तो एक बड़ा अहम सवाल है, जब आपने प्रोफेशनलिज्म की बात की, प्रोफेशनल वकला की बात की, वकला की इज्जत की बात की, एक और चीज़ आती है कि ये काला कोर्ट हमेशा से बड़ा बाइज्जत है, लेकिन अब लोग खाइफ होना शुरू हो चुके हैं आप लोगों से कि पता नहीं वकील है या साथ एडवोकेट लग गया या काली टाई लगी है तो ये कहीं मारे ना, ये कहीं कुछ करे ना। इस आप एक जो मखसूस कुछ लोग, मैं कभी भी किसी अदारे को बुरा नहीं कहता, काली भेड़े हर जगह होती हैं, हर शोबे में होती हैं, वो चंद लोगों की वजह से जो एक बदनुमा चेहरा सामने आ रहा है, इसको कवर करने के लिए कह रखें कि जहाँ हर पब्लिक का फ़र्द वाहिद आप लोगों की वैसे इज्जत करे जैसे होती आ रही थी। बहुत शुक्रिया। एक तो मैं बताऊँ जी कि सूरत हाल ये कि जब ओवरऑल मुआशरा डिटेरियरेशन पे हो ना जी, तो कोई ना कोई दूसरा अदारा भी उससे मुतासर हो जाता है। बिल्कुल सही। आप डॉक्टर्स को ले लें, कोई भी शोबा ले लें, वहाँ पर ओवरऑल मैं समझो एक इनतात है मुआशरे का, वहाँ पर थोड़ा बहुत हमारा दायरा भी मुसर है। लेकिन अब सूरत हाल यह है कि प्रोजेक्शन अच्छाई की होगी तो अच्छाई नज़र आ जाएगी, अगर हम छोटे से इशू को बहुत बड़ा बनाकर पेश कर दें तो ये महसूस होगा कि बहुत बड़ा इशू है। आप यकीन करें मेरी बार के राउंड बोर्ड को 6,000 वकला है। आप माशाल्लाह फैमिलियर हैं फैसलाबाद के साथ, सहाफत के साथ और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ एक अच्छा नाम है। आप यकीन के साथ आप बात करें कि कितने वकला का नाम आप बता सकते हैं जो किसी के साथ दंगा फसाद करते हो। चंद एक के मामला होते हैं, वो भी मैं बताता हूँ, दैट इज़ ऑलवेज बाइलेटरल। कोई ऐसा मामला होता है जिससे कुछ मामसाइल, लेकिन सूरत चल जाए कि देखें बड़ों का रोल क्या है। किसी ने दायरे का जो हेड है ना, वो उस दायरे का वालिद है, माँ बाप है, पेरेंट है, उसके रोल की निश्चय से रोल तय होना है। और इंशाल्लाह इसीलिए जो इलेक्शन करवा कर बड़ों को आगे लाया जाता है कि ताकि वो दायरे को लुक ड्राफ्ट करें, अदारे की बेहतरी पैदा करें और जो मसाइल हैं उनको हल करें। और दूसरी बात ये, मैं इस आपके तवज्जो से फैसलाबाद के तमाम बिजनेस कम्युनिटी को, तमाम जो मेरे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साफ़ी हैं, वर्कर हैं, आप यकीन जानिए कि इंशाल्लाह ताला मुजाहद की शक्ल में आपको बेहतरीन नुमाइंदगी मिलेगी। कभी करप्शन के मामलात नहीं होंगे और कभी भी डिसक्रेडिट नहीं जाएगा इंशाल्लाह फैसलाबाद की बार के नाम से, इंशाल्लाह जी हमारी इज्जत मिलेगी। बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब, पुरसोता साहब मौजूद है, उनका कहना था कि ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद बल्कि शहर फैसलाबाद के वकार को बुलंद करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। जब नौजवान वकला की बात है, उनका उनकी इज्जत और तकरीम अवलीन तरजीह है, उनको लेके आना और ख़ास तौर पर प्रोफेशनलिज्म को आगे लेके चलना उनका नुक्ता अव्वल है, जहाँ वो कह रहे हैं मैं अपनी कंपनी लेके चल रहा हूँ और इसी को लेकर चलूँगा। प्रोग्राम में वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुश आमदीद कहते हैं। डीबीए फैसलाबाद के इलेक्शन 2024-25 के लिए जो है उम्मीदवार के इंटरव्यूज़ और उनके ख़ास तौर पर शहर फैसलाबाद और बार फैसलाबाद के वकला के लिए जो उनके इकदाम विजन है उस हवाले से बात हो रही है। सैफ रहमान भट्टी साहब उम्मीदवार सदर जो हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए। सबसे पहले आगाज़ में पहला सवाल ये होगा, विजन आप क्या लेकर आ रहे हैं और ख़ासतौर पर आपका अगर मंशूर की बात करें वकला फैसलाबाद के लिए, शहर फैसलाबाद के लिए, फैसलाबाद के हर फर्द वाहिद के लिए क्या लेकर आप मैदान में आए हैं? पहली बात तो मैं सिटी 41 का मशहूर हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने विजन के का आधार कर सकूँ। फैसलाबाद बार पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बार है जिसको मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। इतनी बड़ी बार होने की वजह से इसका मकाम भी है और माशरे में और सिस्टम में और शहर में इसके मामलात को कंट्रोल करना भी बड़ा अहम मरला है। मेरी सबसे पहली कोशिश होगी कि डीबीए फैसलाबाद की जो डिग्निटी है उसको मलहूज़े खत रखते हुए उसके वक़ार को अपग्रेड किया जाए। हमारी बार अल्हम्दुलिल्लाह बार जो हमारी सोसाइटी के फैसले भी करती थी, लेकिन बदकिस्मत से चंद सालों से कुछ ये थोड़ा सा इसका ग्राफ नीचे गया है। लेकिन मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह ताला कि वकला का और बार की वक़ार का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए और इसको अपग्रेड किया जाए इंशाल्लाह। दूसरी बात, बेसिकली हर इदारे को अपने ही इख्तियार में रह के हुए काम करना चाहिए।
ये मेरा एक मौक़िफ़ है और मैं इस पर कारमंद भी रहूँगा इंशाल्लाह। बिला वजह किसी दीगर अदारों में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। बाहर की तरफ देख के लोग फैसले करते हैं और इंशाल्लाह ऐसा मोराल बुलंद करेंगे कि लोग हमारी तरफ देखेंगे और हमारी तरफ देख ही फैसले इंशाल्लाह किया करेंगे। आपने एक बात की कि दूसरे अदारों के अंदर मदाखलत नहीं करनी चाहिए। बिलाशुबा हर एक अदारे की, हर एक शोबे की जुरिडिक्शन है, उसके अंदर से रहना चाहिए। बल्कि पूरे पाकिस्तान में बात होती है कि हर अदारे को अपने हदूद के अंदर रहना चाहिए ताकि पाकिस्तान का निज़ाम सही चलता रहे। लेकिन आपको लगता कि जब आज बड़ा अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि जब वकालत का नाम आता है तो लोग खायफ हो जाते हैं, उसके लिए आपका क्या सोच होगी कि एक आम शख्स जिसका वकला से कोई ताल्लुक़ नहीं है लेकिन वो जब वकील का नाम सुनता है तो खायफ ज़्यादा हो जाता है कि मेरी ज़मीन है, जायदाद है, कुछ भी है, या किसी भी मामले से वो चाहेगा मैं स्टेप बैक हो जाऊँ क्योंकि ये ज़रा ज़ोर आजमा हैं, ये ताकतवर हैं और इंसाफ इन्हीं के लिए बना हुआ। बेसिकली हमारे बदबख्ती ये है कि हम वकला के नुमाइंदे हैं, जब हम मुंतखब होंगे कि वकला के सदर कहलाए गए, हमारे वोटर सपोर्टर वकला हैं, हमारी इज्जत शान जो भी है वकला की वजह से। अगर अल्लाह ने मुझे इज्जत दी तो मैं इन वकला बरादरी की वजह से ही सदर सदारत के मनसब में बैठूँगा। तो मेरा जो भी इलेक्टेड ऑफिस बेयर होना चाहिए, जिस सोसाइटी में उसको इलेक्ट कर किया, सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उसके मसाइल को मद्देनजर रखें, उसके हल के लिए मामला निकाले, उसकी बेहतरी के लिए कुछ मामला करें। लेकिन बदबख्ती ये है कि हम जीतने के बाद जिसकी वजह से हम सदर सेक्रेटरी बनते हैं उसको छोड़ देते हैं और दीगर मामला में, दीगर अदारों में मुदाखलत करते हैं, जिस तरह लैंड माफिया है बेशुमार लोग करते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये रवायत को इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे और चूँकि मैं वकला की ही नुमाइंदगी के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो इंशाल्लाह वकला की बेहतरी के लिए काम करूँगा। आप देखेंगे, अल्लाह मुझे मौका देगा तो मेरा किसी कारोबारी तंजीमों से कोई मामला नहीं होंगे। ये वकला की इज्जत है, वकला ने दी है, इन्हीं के लिए सारा कुछ करना चाहिए। मेरे दो तीन प्लान हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आधार करूँगा। मेरी सबसे पहली तो कोशिश होगी कि मैं डे वन से ही हेल्थ इंश्योरेंस जो है वकला की, उसके लिए कोई इकदाम करूँगा और इंशाल्लाह मेरे विजन में है कि फैसलाबाद के टॉप क्लास जो हस्पताल हैं उनके साथ MOU साइन हो और हेल्थ इंश्योरेंस हर वकील जो 5 लाख, 10 लाख, 15, 20, 50 लाख तक की उसकी इंश्योरेंस हो ताकि वो अपनी हेल्थ के लिए कोई भी मामला का वो इलाज मुआवजा करा सके। सेकेंडली मेरी कोशिश होगी कि नौजवान वकला के लिए कुछ तरबीती सेशन हो ताकि उनको पता लगे कि वकला की मोरालिटी क्या है, इनके रवायात क्या हैं, इनके अखलाकियात क्या हैं, ताकि दोस्त अहबाब जो जूनियर हैं, बेटे हैं हमारे, बच्चे हैं, छोटे भाई हैं, उनको सही इस लाइन पे आए ताकि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वक्त उनका बेहतर से बेहतर बने। अच्छा भट्ट साहब, वेरी लास्ट के वकला बरादरी के जो सदर होते हैं, क्योंकि वो ना सिर्फ वकला के लिए बल्कि शहर फैसलाबाद के बहुत सारे मसाइल के ऊपर आइडेंटिफिकेशन भी कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एक नुमाइंदा होता है, क्योंकि हर शहरी ने किसी न किसी तर्ज के ऊपर इस बार से इन कचहरियों से जुड़ना है, तो उस तर्ज पे आपका समझे शहर फैसलाबाद के मसाइल की आवाज़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए और फैसलाबाद के हर फर्द वाहिद की आवाज़ उठाने के लिए क्या करेंगे? इसके लिए बड़े अच्छा फोरम है बार का। बार के वकला का जो मैसेज आता है, बार की तरफ से मैसेज क्यों होता है, वो असर रखता है। बिल्कुल, इंतज़ामिया भी उसको गौर से देखती है, आला हकाम भी उसको गौर से देखते हैं और मैं समझता हूँ कि बार के ऑफिस बेरर को ज़िम्मेदारी से वो बयान देना चाहिए। मेरा किसी सियासी जमात से कोई तल्लक नहीं है, ठीक हो, मैंने ना कभी MPA का इलेक्शन लड़ा है, ना मेरी जेन में है, ना मैंने लड़ना है, ना मेरे को अजीज़ वकारब लड़ते हैं, मेरे दोस्त अहबाब हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं, किसी भी जमात से लड़े मैं उन दोस्तों के साथ रहता हूँ। क्योंकि मेरा को अपना सियासी पॉलिटिकल कैरियर नहीं है, मैं किसी सियासी जमात का ना आलाकार बनूँगा, मैं अपने शहर के मसाइल को सही बुनियादों पर उजागर भी करूँगा। मुझे किसी की लालच नहीं होगी कि मैंने किसी का टिकट लेना है या किसी को टिकट देना है, मेरा ऐसा मसला नहीं है। मैं इंशाल्लाह ताला अपने शहर की आवाज़ जो है वो मुकम्मल कोशिश करूँगा ईमानदारी से कि वो आला हकाम तक पहुँचे और उसके मसाइल भी हल हों। सबसे पहले तो इसमें फैसलाबाद में हाईकोर्ट बेंच का इतना दरीना मसला है, मैं दुआगो हूँ कि दोस्त मेरा साथ दें तो मैं इंशाल्लाह वो जो एस्टेब्लिशमेंट लाहौर हाईकोर्ट की है उसको तोड़ सकूं और उससे मुकाबला कर सकें ताकि हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए, इसके लिए इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करें। बहुत शुक्रिया राय सैफुररहमान भट्टी साहब, हमारे साथ मौजूद थे, बहुत ही ब्रीफली उन्होंने बताया, खास तौर पर लाहौर हाईकोर्ट बेंच के लिए उनका जिस हद तक
ताकत आजमाई हुई, मैं अपने मसल ज़रूर इस्तेमाल करूँगा, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि यंग वकला के लिए बहुत सारे प्लान हैं, उनकी तरबीती नशस्तों के लिए बहुत सारे प्लान हैं, लेकिन उसके साथ एक जो अहम और चीज़ मुझे बड़ा बहुत पसंद आई, उन्होंने कहा कि अपनी हदूद के अंदर रह के काम करना मैंने सीखा है और वही करूँगा, और इसके लिए बाहर को भी लेकर चलूँगा कि दूसरों की हदूद के अंदर दाखिल होकर अपने को भी और साथ दूसरों को भी डिस्टर्ब ना किया जाए, बल्कि चीज़ों को स्मूथ रन के अंदर लेके आगे चला जाए, प्रोग्राम में आगे ले चलूँगा। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन DBA 2024-25 के हवाले से आपके साथ गुफ्तगू हमारी जारी है। प्रोग्राम के अंदर हमने जो सदूर के उम्मीदवार थे वो आपके सामने रखे, उनका मौक़िफ़ और ख़ास तौर पर उनके मंशूर कि वो करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद सिर्फ फैसलाबाद बार कचहरियाँ और इसके अंदर कैद एक हिस्से का नाम नहीं है, बल्कि पूरे शहर फैसलाबाद के हर बासी की और हर फर्द वाहिद की आवाज़ बुलंद करने के लिए किरदार जो अदा करते हैं। जब इसके हवाले से बात कर रहे हैं DBA फैसलाबाद के लिए, तो चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अब्दुल इस्लाम, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, एक बड़ा नाम है और आप क्या कहेंगे, ये इस बड़ी अहम जिम्मेदारी आपको सौंपी गई, तो आपने उस जिम्मेदारी के ऊपर बैठते हैं, हमेशा हम ऐलान सुनते हैं कि वकला के लिए ऐलान किए जाते हैं कि इलेक्शन कम्पेन के अंदर इन चीज़ों की ममानियत है, इनको रोका जाए, लेकिन आपने करके दिखा दिया शहर फैसलाबाद में वो फ्लैक्सेस, वो बोर्ड्स जो कि बड़े बड़े, ऐसे लग रहा था कि ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन ही बल्कि पूरे शहर में एक फ़िज़ा कायम होती है, वो सब आपने बड़ी मिनिमाइज कर दी, हमें सिर्फ अब इस वक्त कैंडिडेट्स आग जलाए आग तापते नज़र आते हैं और गपशप लगाते, ना कोई खाना है ना कोई चाय है, कुछ भी नहीं है, तो इलेक्शन को आपने एक बड़े समुंदर को कूजे के अंदर बंद करवा दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आप तशरीफ़ लाएँ, और ये मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी था कि ये हमारे फैसलाबाद के वासियों को भी हम इससे आगाही दें। दरअसल जब मुझे अनाउंस किया गया उन्होंने चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड, तो मैंने पहला काम ये किया था कि मैंने पंजाब बार काउंसिल को एक लेटर लिखा कि मुझे चेयरमैन बना दिया गया और मुझे बाख्तियार कर दिया जाए ताकि मैं वो जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं, जो पाबंदियाँ हैं, उसको मैं लागू कर सकूँ। तो जब वो मेरी लेटर जो है उन्होंने अपने पास रखा, तो उसके लिए उन्होंने एक मीटिंग तलब की तमाम जो अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी की, तो एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये फैसला हुआ कि ना सिर्फ फैसलाबाद के लिए ये उनको बाख्तियार कर दिया जाए, बल्कि पूरे पंजाब के चेयरमैन जो हैं उनको बाख्तियार कर दिया जाए कि वो हमारी जितनी पाबंदियाँ उस पर अमल दरामद करें। तो इस सिलसिले में फिर मैंने अपना एक पहला इनिशिएटिव लिया और हमने एक लेटर जारी किया बाकायदा बुलाकर तमाम बोर्ड के मेम्बर्स को कि फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद किया जाए, और उसके लिए फिर हमने सख्ती कर दी। सख्ती इसलिए की कि ये ज़रूरी हो गया था, बेशुमार लेटर्स पंजाब बार काउंसिल ने पहले भी इशू कर रखे थे लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था, तो हमने फिर ये अपने लेटर में लिखे वाजिया किया कि अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की तो उसके हम जो है नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर देंगे और उसकी अपील भी नहीं होगी, क्योंकि ये मुझे बाख्तियार किया है पंजाब बार काउंसिल ने और पंजाब बार काउंसिल ने अपील सुननी थी, लिहाजा इसकी फिर पटिशन जानी थी हाईकोर्ट में। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जितने कैंडिडेट उन्होंने हमसे बड़ा तावन किया और तावन के नतीजे में हम यहाँ पर पहुँच गए हैं कि यहाँ पर फैसलाबाद में किसी किस्म की कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई ऐसा जो है इलेक्शन मटेरियल इस्तेमाल नहीं हो रहा जिसकी पाबंदी है, खानों पे पाबंदी है, हाई टी पे पाबंदी है, लंच पे, ब्रंच पे, सफ़र पे, डिनर पे, किसी किस्म के खाने की कोई इजाज़त नहीं है और किसी जगह पर अभी कोई शिकायत हमें अभी तक वसूल नहीं हो रही। एक याद आई थी, हमने उनको शोकाज नोटिस किया, उन्होंने आके अंडरटेकिंग दी कि हम नहीं करेंगे और अभी तक हमें कोई और शिकायत नहीं है। इसके अलावा जितने पैनाफ्लेक्सिस थे, जितने बैनर्स थे, जितने पोस्टर थे, वो हमने अपने कोर्ट प्रेमसिस से तो बिल्कुल क्लियर कर दी, आप कोई लगाव नहीं रहा। और मैं बहुत ममनून हूँ डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद का कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पर इंटरसीट जितने भी फ्लैक्सिस लगे हुए थे सारे के सारे रिमूव कर दिए, और ये फैसलाबाद पॉइनियर बार है जिन्होंने पंजाब बार काउंसिल की हदायत पर अमल दरामद करते हुए ये काम कर दिखाया। जब आप इस बात वगैरह, मुझे तो फिर ऐसा लग रहा है कि अगले आने वाले इलेक्शंस में अब हर फर्द वाहिद जो कोई माली तौर पर मजबूत नहीं होगा वो भी इलेक्शन में उतर सकेगा, और मेरे ख्याल में उसके ऊपर वोट होंगे लेकिन शायद वो माली तौर पर कमज़ोर हो तब वो भी आके प्रैक्टिसिंग लॉयर के तौर पर अपने आप को इलेक्शन में लेके आ सके, बहुत सारे लोगों की नौजवानों की ख्वाहिश होगी इलेक्शन में आने का, वो भी पूरी हो सकी है ऐसे, क्योंकि कम अखराजात के साथ अब सरकार के लिए इलेक्शन लड़ना जायज़ है। मेरा पंजाब बार काउंसिल को लेटर लिखने का मकसद भी यही था कि मैं ये फैसलाबाद बार का इलेक्शन कम अज़ कम हर बंदे की रीच में कर देना चाह रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ भी। अब मैं दोबारा लिख के भेजना चाहता हूँ पंजाब बार काउंसिल को कि ये जो आप इसको इजाज़त दे देते हैं कि जनवरी के इलेक्शन के बाद नया इलेक्शन शुरू हो जाता है, इस पर भी पाबंदी लगाई जाए, कम अज़ कम सेप्टंबर में ये ओपन किया जाए, कन्वेंसिंग शुरू करें,
और उसके उसी वक्त ही चेयरमैन जो हैं उनको नॉमिनेट कर दिया जाए और उनको बाख्तियार कर दिया जाएगा किसी किस्म का खाना ना हो। जब सितंबर से शुरू होंगे और सितंबर से चेयरमैन बन जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि आइंदा फिर कभी भी कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं करेगा जो बार काउंसिल की हदायत के मुनाफी होंगी। और ये मेरी कोशिश है और मैं काफ़ी हद तक तो कामयाब हो चुका हूँ, लेकिन कामयाबी इन उम्मीदवारों के तावन से हुई है और हमारे फाजल डिप्टी कमिश्नर साहब के तावन से हुई है, ये जारी रहेगी इंशाल्लाह ताला। चौधरी साहब, बड़ी अहमियत की हामिल एक चीज़ थी कि वकला मैंने उम्मीदवारों से बात की, क्योंकि आपकी एक प्रैक्टिस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी, उसके साथ आप चेयरमैन पंजाब बार भी रह चुके हैं। अब वकला बहुत पढ़े लिखी कम्यूनिटी, आप जैसे बड़े बड़े नाम फैसलाबाद में पैदा किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बहुत धब्बा आ गया कि जब भी वकील लिखा जाता था, एक उम्मीदवार जज ने भी ये कहा, जो लोग टेबल के दूसरी तरफ बैठकर केसेस की पैरवी करवाते थे वो अब उन्होंने अपने एक एक बेटे को साथ वकील बना लिया, वो भी हमारे साथ आके बैठ गए। उनको लगता है कि शायद ये इतना बड़ा नाम है और ये वकला लिखने से लोगों के अंदर डर खौफ हर चीज़ पैदा हो जाएगी, फिर एक वकला गर्दी का लफ्ज़ भी आ जाता था। आप क्या समझते हैं इसको रेडिकेट करने के लिए उम्मीदवार जो सदर हैं या जो भी जिस मर्जी उम्मीदवार के तौर पे और जो बड़े वकले हैं कितना किरदार अदा करने के लिए, क्योंकि एक वाहिद पेशा जिसमें कोई एक नैनो परसेंट भी अनपढ़ शख्स नहीं होगा, हर बंदा पढ़ा लिखा है, उसके बावजूद एक ऐसा इल्ज़ाम लग जाना अफसोसनाक होता है कभी कभी। हमने भी और मेरा ख्याल है कि पंजाब बार काउंसिल ने ये बहुत ज़्यादा सही की है कि इस तरह के लोग इसमें शामिल ना हों, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब से प्राइवेट कॉलेजेस बने हैं ना ला के, उससे ये एक मशरूम सा पैदा हो गया है और इतने ज़्यादा बन गए हैं जिसकी वजह से इसको रोकना मुश्किल है। कोशिश हो रही है, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब जवाद ख्वाजा साहब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था फेक लॉयर्स का, और उस वक्त मैं चेयरमैन था पंजाब बार काउंसिल का, और मुझे उन्होंने कोर्ट में कॉल किया था और मुझसे उन्होंने बाकायदा पूछा था कि आप हमें बताएं कि कितने जो है इस तरह के फेक लॉयर्स के खिलाफ आपने मिसकंडक्ट के केसेस किए हैं। तो मैंने एक बहुत बड़ी लिस्ट उनको दी थी और मेरे फिर उनको ये भी कहा था कि असल प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो एजुकेशनल टेस्टिमोनियल्स हैं ना उनको चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा फाइनेंस नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि पंजाब बार काउंसिल की बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी कि उन्होंने उस वक्त 16 करोड़ रुपये का चेक अटर्नी जनरल को डायरेक्ट करके हमें प्रोवाइड किया और हमने वो चेक डायरेक्ट हायर कमीशन एजुकेशन कमीशन को भेज दिया, HEC को। अब वहाँ पर दूसरा काम तो ये करना था कि हमारे अदारे इन तमाम लॉयर्स के जो हैं तलीमी इसनाद उनको भेज दे ताकि उसकी वेरिफिकेशन हो जाए, लेकिन ये मैं समझता हूँ बड़ी बदकिस्मती है कि जब तक मैं रहा हूँ मैंने भेजे हैं, उसके बाद फिर ये काम रुक गया। अब जब तक ये काम रुका रहेगा ये आपकी बात उसी तरह चलती रहेगी। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी बहुत ज़्यादा कोशिश है, फाइनेंस भी उधर जा चुका हुआ है, सब रिकॉर्ड भेजने की अब ज़रूरत है। जब भी रिकॉर्ड उधर पहुँचे तो इंशाल्लाह ताला इसका काफ़ी तदारक हो जाएगा, और जब तदारक हो जाएगा तो फिर ये आपकी बात वो है मैं समझूंगा कि नहीं होगी कि यहाँ पर जो प्रोफेशनलिज्म है उसी को हम इंशाल्लाह परवान चढ़वाएंगे, और हम कोशिश कर रहे हैं। ये मेरी भी जो मैंने कोशिश की है ये इसी बात का एक नतीजा है कि इस चीज़ को जितना से ज़्यादा रोका जाए। यहाँ पर मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूँ कि ये जो मैंने इकदाम उठाया है अब इसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान बार काउंसिल ने 27 दिसंबर 2023 को नोटिफिकेशन अक्रॉस द पाकिस्तान जारी किया है कि तमाम चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड ये जो हमारी हदायत है इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद कराएं, और अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। अगर हमने ये शुरू किया तो जाहिर है कि ये आस्ता आस्ता चलेगा और इंशाल्लाह ताला वो जो एक मेयार था हमारे इस प्रैक्टिस का, हमारे प्रोफेशन का, वो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़रूर हो। एक बड़ा आखिर तो छोटा सा सवाल कि क्या जो इलेक्ट होंगे जो भी कभी भी इलेक्ट होते हैं कि इनके ऊपर सिर्फ जिम्मेदारी बार वकला की होती है जब पूरे फैसलाबाद के बेशतर मसाइल के ऊपर इनकी आवाज़ उठाना इनका हक है? ये बड़ी खूबसूरत बात की है, ये मेरा ख्याल है कि आपने तारीख पढ़ी होगी ज़रूर इसके बारे में, जो पहले हुआ करता था ना वैसे हुआ करता, कोई भी वकुआ आपके फैसलाबाद में हुआ तो जनाब जो हमारे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी साहब हैं ये तमाम जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में शामिल होते थे, ये पुलिस के पास भी इनकी रिपोर्ट जाती थी और इनका लिखा हुआ जो है वो आला समझा जाता था, बेहतर समझा जाता था। लेकिन आजकल के दौर में जैसे आपने पहले फरमाया कि कुछ प्रोफेशनलिज्म में ऐसी कुछ हो रही हैं गलतियां कोताहियां जिसकी वजह से ये हो रहा है, हमारे सदूर साहिबान हमारे सेक्रेटरी साहिबान के पास बड़ा कुल्ली अख्तियार है कि किसी किस्म के बकूबे में भी अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट दे सकते हैं और उनकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो अवलीन मतलब जो तरजीह रखेगी, ये है हमारे में। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले सदूर को ये कहें कि जनाब ये चीज़ को मद्देनज़र रखें, फैसलाबाद की खुशहाली के लिए, यहाँ के मसाइल के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आपका ये इकदाम दीगर अदारों के लिए मामला साबित होगा।
बहुत शुक्रिया चौधरी अब्दुल इस्लाम, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ मौजूद थे। चेयरमैन इस वक्त बोर्ड हैं इलेक्शन बोर्ड फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद के, बहुत सारे आसान इकदाम जो उन्होंने किए, हमने क्योंकि हम अमूमन सिर्फ उम्मीदवारों को लेते हैं, लेकिन इस बार हमने फैसला किया कि जो इकदाम खास तौर पर रोड्स के ऊपर फैसलाबाद DBA के अंदर और बाहर हमें डिफेंस नज़र आया, हमें एक बहुत अच्छा इलेक्शन नज़र आया, तो उसके बिना के ऊपर इलेक्शन बोर्ड को भी और चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड जो उनका इंटरव्यू हो वो आपके सामने रखा। और एक चीज़ बड़ी ख़ास उन्होंने जो आखिर पर कही कि वकील सिर्फ जो भी नॉमिनेट यहाँ से इलेक्टेबल होगा वो सिर्फ यहाँ का नुमाइंदा नहीं बल्कि पूरे शहर की नुमाइंदगी कर सकता है, इनकी आवाज़ बासर है जो कि पूरे पाकिस्तान में नज़र भी आ रही है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए।